for all of us genuinely this is a very very overwhelming feeling because जितने भी साल गए हैं पहले हम लोगों के लिए ये एक ड्रीम प्लेटफॉर्म रहा है कि हमें ऐसे कोई प्लेटफॉर्म पे जाना है जहाँ हमारे आर्ट के थ्रू हम पूरी कंट्री पूरी दुनिया में हम अपने आर्ट को पहुँचा सके। और ये प्लेटफॉर्म हमारे लिए मतलब हो गया। उसके बाद अभी हम लोग अदर साइड पे हैं, तो जब हम यहाँ पे अभी मुंबई ग्राउंड ऑडिशंस में हैं और कंटेस्टेंट्स को देख रहे हैं कि सब फुल तैयारी कर रहे हैं और फुल जोश के साथ आए हैं इस सीज़न में भी, तो हम कहीं ना कहीं उनमें खुद को देख पा रहे हैं और बहुत एक्साइटेड है उनकी जर्नी के लिए भी और खुद के लिए भी बहुत ज़्यादा खुश है कि फाइनली वी आर गेटिंग टू सी द वर्ल्ड फ्रॉम द अदर साइड एंड वी आर रियली एक्साइटेड फॉर दिस सीजन एज वेल। जैसे कि शिवांशु भाई ने बोला कि हम बाकी कंटेस्टेंट में खुद को देख पा रहे हैं, सेम ऐसे ही, क्योंकि एक टाइम था कि हम भी ऐसी ऑडिशन देते थे सेकंड राउंड थर्ड राउंड, और हम भी बहुत नर्वस होते थे जैसे कि सारे बाकी कंटेस्टेंट हैं, मतलब उनको डर लग रहा है कि नेक्स्ट उनका है और उनको बेस्ट देना है, तो हमारे मन में भी पहले वो रहता था। तो जब वो हमारे आगे भी परफॉर्म कर रहे हैं तो हमें ऐसा फील हो रहा है कि हमें भी इतना ही डर लगता था। और IBD Season 3 इतना अच्छा गया, अब मैं चाहती हूँ कि नहीं चाहती क्यों नहीं चाहती मैं चाहती हूँ IBD Season 4 भी इतना ही क्रेजी जाए, है ना पुकी भैया? जैसे कि अंजलि शिवांशु ने कहा है कि हम लोग अभी एक डिफरेंट साइड में हैं, हम लोग टेबल का अलग साइड में हैं, वेर वी सी द टेंशन, वेर वी सी पीपल नर्वस होते हुए अपना परफॉर्मेंस देने के लिए या फिर ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को प्लेटफॉर्म का यूज़ करने के लिए इतना ज़्यादा दे आर हंग्री फॉर फॉर इट। तो हम लोग वो चीज़ कि हम लोग लास्ट ईयर वो पूरा चीज़ से हम लोग गुजरे, 6 महीना फुल हम लोग अपना एक्ट्स निभाए, 6 महीना के पहले वो 2 महीना हम लोग ने ऑडिशन मेगा ऑडिशन वो टेंशन से हम लोग गुजर के से हम फीलिंग हैप्पी दैट थिंग्स हैपन टू अस इन अ गुड वे, द शो वेंट ऑन गुड एंड आई रियली विश फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट कि IBD Season 4 भी अच्छा जाए। एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे डांसर्स इन लोगों में पहले से जानते हैं वो लोग भी है, कुछ कुछ लोगों ने अच्छे अच्छे रियलिटी शोज किए हैं जिन लोगों को हम लोग खुद देखते हैं ऑन TV, वो लोग भी आए हैं। सो बींग ऑन द अदर साइड वॉचिंग पीपल हुम वी नो गेटिंग टू एक्सप्लोर न्यू पीपल इज़ अ जर्नी फॉर अस विच विल ऑल्सो हेल्प अस ग्रो एंड लर्न एंड यस। जिस स्टेज पे खुद परफॉर्म करके आगे बढ़ना, उसके उसी स्टेज पे कोई और परफॉर्म कर रहा है उसको जज करना, उसको सिखाना, वो फीलिंग क्या होती है उसको बताना चाहूँगा। कहीं ना कहीं ये वाला चीज़ भी हमारे लिए भी न्यू है, बट हमने वो प्रोसेस में से हम गुजरे हैं और वो हमने वो समय जिया है जहाँ वो कंटेस्टेंट लाइफ होती है, जहाँ आप ऑडिशन से लेकर वो पूरा शो जीते हो, फिनाले तक जाते हो, लोगों का दिल जीतते हो, पुश करते हो, लाइफ में वो समय बिताते हो जितना मेहनत कभी नहीं हुआ रहता, उतना मेहनत करना पड़ता है। तो वो सब चीज़ से गुजरने के बाद फिर अभी जब हम लोग IBD Season 4 में एज एक्स कंटेस्टेंट यहाँ पे खड़े हैं, तो हमें देख के रियलाइज़ हो रहा है कि यार अगर सामने कोई कंटेस्टेंट ऑडिशन दे रहा है और वो ये चीज़ों में कम है, तो शायद हम भी वो चीज़ों में कम थे, बट जर्नी में उनको भी कितना कुछ सीखने मिलेगा। तो उनकी जर्नीज के लिए भी हम एक्साइटेड हैं टू सी देम ग्रो, क्योंकि हम लोग इंडिविजुअली सब शो में अगर आए थे और यहाँ पे थे तो शो ख़त्म होने के बाद यहाँ पे ख़त्म करके गए हैं, हम सब की वो ग्रोथ वाली जर्नी रही है। तो आई एम श्योर कि जितने भी IBD 4 में कंटेस्टेंट्स हैं वो ऑलरेडी सुपर्ब लग रहे हैं, तो मुझे लगता है कि शो ख़त्म होने के बाद तो दिल लाइक गेट आउट एज स्टार्स। आप लोग के सीजन में ऐसे बेहतरीन कंडीशंस आ चुके थे जिसे लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए थे और ये सीज़न देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हो गए थे, बिल्कुल। तो इस सीज़न में आप लोगों की एक्सपेक्टेशंस क्या है आने वाले डांसर्स से? आई होप कि कोई कोई लोग अपना नयापन लाए, कोई कोई लोग अपना स्टाइल को प्रेजेंट करे, क्योंकि IBD एक्सपेशली ये सिंस मेरा फर्स्ट शो था Season 3 में, बहुत जिनका एक शो को लेके बहुत अलग अलग ओपिनियंस रहते हैं, पर ट्रस्ट मी ये वाला शो ऐसा है कि जो खुद आप करते हो वो आपको करने का वो फ्रीडम देते हैं। सो आई होप कि जो लोग जो चीज़ करते हैं अपना जो ऑथेंटिक स्टाइल्स या जो भी है करते हैं, तो वो लोगों को वो पूरा चीज़ करने का मौका मिले, वो लोग अपना पूरा स्टाइल TV में अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस करें, कि बहुत समय ऐसा हो जाता है कि आउट ऑफ TV कुछ और हो जाता है, ऑन TV उन लोगों का डांसिंग चेंज हो जाता है। सो आई होप दे कैन एंड दे बी एबल टू एक्सप्रेस देम सेल्व पूरा अच्छे से TV में एंड उन लोगों के लिए शो चले ताकि दे कम आउट एज स्टार्स एंड दे गेट देयर ड्यूज, दे गेट देयर हार्डवर्क का रिवॉर्ड। यस एंड यस क्या कुछ नया होने वाला है इस सीजन, पहले से कुछ
तो IBD 3 में भी बहुत सारे लोग मतलब न्यू आए थे, लाइक न्यू अपने स्टाइल्स लेके आए थे और बहुत अच्छे अच्छे ऑडिशन दिए. कुछ लोग नहीं हो पाए बहुत अच्छा करने के बाद भी, क्योंकि हो जाता है कभी, क्योंकि कुछ कमी दिख गई होगी. बट इस बार काफ़ी लोग ऐसे आए हुए हैं कि जिन्होंने पहले कभी रियलिटी शो में ऑडिशन दिए ही नहीं है और जो बहुत अच्छा अच्छा करते हैं, और जिन्होंने दिए भी हैं बट वो कभी सिलेक्ट नहीं हुए. तो इस बार सब लोग अपना ट्राई कर रहे हैं और IBD सीज़न 3 से अच्छा, या IBD सीज़न 3 बहुत अच्छा था, 4 में भी बहुत अच्छे कंटेस्टेंट आएंगे, तो 3 के एक्स कंटेस्टेंट मिलेंगे, 4 के मिलेंगे, तो बहुत क्रेजी होएगा इस बार, क्योंकि इस बार का फॉर्मेट बहुत अलग है. इस बार एक्स कंटेस्टेंट्स भी हैं और जो अभी सिलेक्ट होंगे ऑडिशन में जो लोग वो भी हैं, तो मतलब इस बार 4 तो कुछ अलग ही आने वाले हैं. बिल्कुल बिल्कुल, मतलब 4 में तो आउट ऑफ द बाउंड्री हिट करने वाला है IBD, बिकॉज फॉर्मेट में भी चेंजेस हैं जो ऑडियंस को धीरे धीरे पता चलेंगे कि बहुत कुछ नया शुरू से ही होने वाला है, जिसमें हम लोग भी उसके पार्ट हैं. और उसके बाद जो अभी का टैलेंट है, पहले का टैलेंट है, कोरियोग्राफर्स हैं, सबके साथ बहुत नई नई चीज़ें आने वाली है इस सीज़न में, जो हमें पता है एंड ऑडियंस के लिए अनफोल्ड होने के लिए हम वेट कर रहे हैं, एंड वी आर रियली वेरी एक्साइटेड फॉर इट. और सीज़न 3 ने टचवुड हम सब के लिए, हम सब ने इतना बेंचमार्क अच्छा सेट कर चुके थे, एंड वी कैन नॉट वेट टू सी द बेंचमार्क बीइंग ब्रोकन बाय फोर पीपल एंड आल्सो द अदर पीपल, बिकॉज आई थिंक ये पहली बार ये चीज़ हो रहा है जहाँ पे एक्स कंटेस्टेंट्स भी मिल रहे हैं 8 पॉइंट में, फिर कुछ कुछ पुराने, बहुत पुराने कोरियोग्राफर्स भी फिर से आ रहे हैं वापस. सो आई थिंक इट्स गोना बी अ ह्यूज थ्रोबैक, समथिंग अपडेटेड एंड समथिंग रियली गुड. सो पीपल शुड डेफिनेटली वॉच द सीज़न 4 ऑफ इंडियाज़ बेस्ट डांसर, क्योंकि हम ही बहुत एक्साइटेड हैं. आप लोग आए इस बार सपोर्ट करने के लिए इंडियाज़ बेस्ट डांसर सीज़न 4 के कंडीशंस को, सो क्या क्या प्रिपरेशन आपने किया और क्या क्या आप देखना चाहते हो आप नए लोग? अभी हम मुंबई ग्राउंड ऑडिशंस में हैं इंडियाज़ बेस्ट डांसर के, और ये हमारे लिए मतलब बहुत ही नॉस्टैल्जिक एक्सपीरियंस है, क्योंकि हम IBD में जब IBD के हिस्सा बने तब हम ये ऑडिशन से गो थ्रू किए, और अभी हम देख रहे हैं कंटेस्टेंट्स को कि वो फुल मेहनत करके फुल आ रहे हैं और अपना बेस्ट दे रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है. हमें ऐसा लगता है कि ये सीज़न में बहुत 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 ज़्यादा पोटेंशियल है, और मे बी इंडिया को शायद ऐसा कुछ डांसिंग लेवल देखने मिलेगा जो अब तक इंडिया ने नहीं देखा है, बिकॉज हमें ऑडिशंस में ही वो वाइब आ रहा है कि यार सब लोग फुल तैयारी से आए हैं. और हम लोग भी जब ऑडिशंस के लिए तैयारी कर रहे थे तो हम फुल 1-2 महीना डट के ऑडिशन के लिए अपना एक्ट प्रिपेयर कर रहे थे, और हमें वो तैयारी दूसरे लोगों में भी दिख रही है, उल्टा बहुत ज़्यादा मेहनत दिख रही है. तो हम बहुत एक्साइटेड हैं कि इस बार का टैलेंट किस तरह अनफोल्ड होता है. हर डांसर्स का एक स्पेसिफिक डांस फॉर्म होता है, सो आप लोग किस तरह के डांसर्स अपने नज़रों से मीन्स सपोर्ट करते हो, अपने डांस फॉर्म से रिलेटेड या कोई भी जो जहाँ पे उसका आर्ट अपना ट्रुथ सेल्फ पोर्ट्रेट कर पाए, जहाँ पे उसका मेहनत दिख जाए, जहाँ पे, क्योंकि बहुत समय ऐसा होता है कि किसी को TV आने के पहले वो डांस चालू ही करता है, सीधा ऑडिशन दे देता है, बट एक प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस से जाना पड़ता है, लाइक वो प्रोसेस, वो एक हार्डवर्क, वो साल का एक डेडिकेशन जाना पड़ता है, तब जाके वो जो सोचता है अपना डांस को लेके वो अपना बॉडी में रिफ्लेक्ट होता है, तो वो फुल एक प्रोसेस है. सो मी पर्सनली अगर मैं एक ऑडिशन देख रहा हूँ एज अ व्यूअर और इवन एज एन कंटेस्टेंट और इवन एज अ सपोर्टर, आई एम अ लवर ऑफ हार्डवर्क एंड समवन जो अपने प्रोसेस को ट्रस्ट करे, जो कि डांस का किसी का देख के पहला वो स्टेप से वो ठीक 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 के बाद से सब समझ में आ जाता है. सो आई एम लुकिंग फॉर समवन हुज ट्रू टू द आर्ट, सो दैट समवन अ प्योर आर्टिस्ट गेट्स ऑन TV, बिकॉज बहुत समय ऐसा हो जाता है कि जैसे TV में ऑडिशन में किसी का थोड़ा सा ख़राब हो जाता है. सो आई जस्ट होप द प्योर आर्टिस्ट कैन गेट ऑन TV एंड कैन शाइन मोर. यस बट आई रियली होप कि समबडी फ्रॉम इंडियन क्लासिकल बैकग्राउंड कम्स एंड लाइक शाइन्स, बिकॉज रिप्रेजेंटेशन मैटर्स एंड आई वुड लव टू सी समबडी डू वेरी गुड इंडियन. प्रोसेस की बात की आपने तो ऑडिशंस चल रहे हैं, तो जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को बताना चाहोगे आप किस किस स्टेप से गुजरना पड़ता है ऑडिशंस के? तो बेसिकली आपको फर्स्ट आपका वीडियो ऑडिशन होता है, और कुछ लोगों के पास पूरी टीम कांटेक्ट करती है, टैलेंट टीम कांटेक्ट करती है कि आप
बेस्ट डांसर हो, आप अपना ऑडिशन दो और ट्राई करो अपना अच्छे आर्ट को अच्छे प्लेटफॉर्म पे शो करने के लिए। तो फिर जो लोग वीडियो से सिलेक्ट हो जाते हैं उनका सही है, और जो नहीं हो पाते उनको फर्स्ट राउंड देना पड़ता है ग्राउंड ऑडिशंस के लिए। फिर उसके बाद अगर आप फर्स्ट लेवल पार कर लेते हो फिर सेकेंड राउंड होता है, और सेकेंड राउंड पार करने के बाद फिर आपका होता है थर्ड राउंड जो कि नेक्स्ट डे होता है। फर्स्ट डे आपका फर्स्ट सेकेंड राउंड होता है एंड सेकेंड डे आपका थर्ड राउंड होता है। फिर उसके बाद अगर आप तीनों लेवल पार कर जाओगे, तीनों ग्राउंड लेवल पार कर जाओगे, उसके बाद आपका होता है कलिंग राउंड, देन उसके बाद आपका टीवी ऑडिशन। फिर वहाँ से आप सभी लोगों को पता है क्या प्रोसेस चलता है। बिल्कुल। Yes. Please do support reality show, these reality shows, because ye particular show mein you also, you being a budding dancer, an upcoming dancer, you can also get to learn a lot about how a show works, how what to do in order to come into a show, jo ki hum log jab apne apne workshops mein jaate hain, hum log ko bahut students poochte hain ki aapne kya kiya, but trust me, Shivanshu ke ek alag process hai us cheez ko apnane ke liye, Anjali ke ek alag process hai, mera khud ka ek alag process hai. So when you watch reality shows, I would just suggest not get influenced but get inspired and try to bring that fire in you so that you can also get to reality shows, and there is also life after reality show. So yes, just make sure to just get inspired and not influenced. Yes, I feel हमारे season में हमें बहुत ज़्यादा प्यार मिला है। हम जितना ड्रीम्स में सोचते थे कि हम ऐसे कोई प्लेटफॉर्म पे आएंगे जहाँ पूरे इंडिया के घर घर तक पहुँचेंगे, इंटरनेशनली पहुँचेगा हमारा टैलेंट, तो वो सब हुआ है हमारे सीज़न में। और मतलब जितना हम एक्सपेक्ट कर सकते थे उससे बहुत ज़्यादा प्यार मिला है। तो ऑडियंस से हमारी अपील है कि सीज़न 4 भी बहुत क्रेजी आने वाला है, तो आप लोग अपने डेट्स मार्क कर लो और जैसे ही आपको पता चले फुल टीवी के सामने बैठ जाओ और पूरे दिल से सपोर्ट करो, क्योंकि हम वो जर्नी से गुजरे और हमें पता है कि हमें क्या मेहनत करना पड़ा और उसके बाद आप लोगों से वो प्यार मिला। तो अभी जो कंटेस्टेंट्स आए हैं वो भी नेक्स्ट लेवल मेहनत करके आए हैं, तो आप प्लीज़ उन्हें फुल सपोर्ट करिए और हमारा सपोर्ट तो उनके साथ है। एंड पहले से हर टाइम जब भी न्यू रियलिटी शो आता है हर टाइम उसका लेवल अप ही होता है, क्योंकि पहले के टाइम पे उतनी क्रेजी डांसिंग नहीं थी जितनी अब होती जा रही है। तो अभी अब 10 साल बाद देखोगे तो अब हमारा उतना अच्छा ही लगेगा और अच्छा लाइक मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग जो हार्डवर्क करके इतने आगे तक पहुँच रहे हैं, नई नई चीज़ें दिखा रहे हैं आपको कि क्या क्या चल रहा है, तो आप सब लोगों को सपोर्ट करो। एंड क्योंकि सब लोग बहुत मेहनत करते हैं और ज़्यादा हार्डवर्क चालू होता है, क्योंकि जो IBD है उसमें बैटल्स भी बनानी पड़ती है, कोरियोज भी करने पड़ते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आप सबको सपोर्ट करेंगे तो उनको भी मन में ही रहेगा कि हाँ, हम जिस ऑडियंस के लिए कर रहे हैं उनसे हमें प्यार मिल रहा है। और बाकी यस यस थैंक यू। Hello. Where do we look? Camera. All cameras. My English. Okay. Very good. To left. Follow. Center. Look. Center. All of them. Yeah. Okay. Center. थोड़ा आगे बस ना, अरे लाइट नहीं पहुँच रहा था। अच्छा चलेगा।
चलो थैंक यू थैंक यू भाई लुक सेंटर ओके सर वेट लेफ्ट में यहाँ पर सबकी तरफ एक बार देखिए ये आप कैसे हो सर बढ़िया एकदम बस ठीक है हो गया सब में अच्छा आप पूछोगे हम बताएंगे और क्या लुक सेंटर रहेगा सो गुड टू सी बोथ ऑफ यू फर्स्ट ऑफ ऑल यू गाइस आर हियर टू सपोर्ट न्यू जनरेशन न्यू डांसर्स व्हाट यू वांट टू से अबाउट क्या बोलना चाहेगा निकेत मैं तो आए रहा हूँ सपोर्ट करने ही आया हूँ मैं क्योंकि लास्ट सीज़न इतना ज़्यादा कंपटीशन था और कुछ हमारे फ्रेंड्स भी थे जो नहीं हो पाए थे सिलेक्ट और वो इस सीज़न आए हैं फिर से और उस टाइम पे ऐसा होता ना कि फॉर्मेट ऐसे ही है कि सिर्फ 11 या 12 लोग ही सिलेक्ट हो सकते हैं तो इस साल वही लोग आएंगे और इस सीज़न का भी लेवल बढ़ाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा हाँ और जैसे कि पिछले साल के हमारे दोस्तों भी जिसने बताया वैसे भी हमारे हम बाहर से खाते रहते तो हमारे स्टूडेंट्स हो गए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जुड़े हुए हैं क्योंकि डांस की कम्युनिटी बहुत छोटी सी है हमारी तो हम ऑलमोस्ट सब डांसर्स को जानते हैं तो हम जितनी हमारी हम हेल्प कर पाए लोगों की आज से पहले एक महीना पहले से ऑडिशन चल रहे हैं तो हमने सबकी हेल्प करी है यहाँ तक पहुँचने तक जितना जहाँ से भी अगर कहीं बाहर बैठे हैं तो वहाँ से भी हम वीडियो कॉल पर या कैसे भी उनकी हेल्प करके यहाँ पर भी मिल के उनको मोटिवेट कर रहे हैं चीज़ों को कर रहे हैं बाकी उनकी मेहनत और है जो उनको आगे लेके जाएगी लास्ट सीजन को जिस तरह से प्यार मिला इस सीजन में क्या कुछ नया होने वाला है इस सीजन में बहुत कुछ नया होने वाला है क्योंकि अभी हमने ऑलमोस्ट सारे ऑडिशंस देख लिए और अच्छा टैलेंट आया है इस बार भी क्योंकि अच्छा ऐसा ही होता है कि जब भी नेक्स्ट सीजन आता है तो हमेशा टैलेंट क्या है और प्रिपेयर होके आता है बच्चे और प्रिपेयर होके आते हैं क्योंकि कॉम्पिटिशन बढ़ जाता है और पिछली बार बहुत प्यार मिला है ना तो इस बार भी मुझे लगता है कि ऐसे लोग हैं और लोग उनको बहुत पसंद करेंगे और भी शो पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि शो पे और भी कुछ नया होने वाला है इस बार हाँ। और हाँ जो अभी हम रिवील नहीं कर सकते थोड़ा सा चीज़ों में चेंज है और लोगों में चेंज है वो आपको धीरे धीरे पता लगेगा आप लोगों की क्या एक्सपेक्टेशन थी इस सीज़न के हम क्या एक्सेप्ट करेंगे यार क्या क्या माने क्योंकि जैसे 2-3 सीज़न निकल गए और हम डांसर्स यही है कि प्रिपेयर करते रहते हैं कि हमें आगे क्या करना है अब सीज़न 3 इतना ज़्यादा हाई चला गया चीज़ें चली गई तो अब हर डांसर ना अपने हिसाब से सीज़न देख के और ज़्यादा प्रैक्टिस करके रखता है कि और सीज़न ये वाला अच्छा जाए या टफ जाए तो इस सीज़न में बहुत अच्छे डांसर आए हैं हमसे भी ऊपर लेवल चला जाएगा और बात करें चेंजेस की आपके सीज़न के बाद क्या कुछ बदलाव देखा किस चीज़ में आपने अपने और डांस में हमारे में बहुत चीज़ों में बदलाव आया है मतलब काम पे हम लोगों पे जो हम बाहर जाते हैं लोग पहचानते हैं चीज़ें थोड़ी सी चेंज हो गई है जब घर पे ही चेंज हो जाता है इतनी बड़ी चीज़ के बाद जब घर वाले चेंज हो जाते हैं तो बाहर तो बहुत इम्पैक्ट पड़ता है चीज़ों का कि जैसे आपने पिछला सीज़न देखा आपको बहुत मज़ा आया हमको भी बहुत मज़ा आया था कि आप लोगों ने इतना प्यार किया इतना प्यार दिया देखा हर पूरा एक एक एपिसोड देखा मैं कहूँगा कि इस बार आपकी नज़र नहीं हटेगी मैं बता रहा हूँ बहुत ही मज़ा आएगा आपको और बहुत सारी एक्साइटिंग चीज़ें होने वाली है जो अभी हम नहीं बता सकते और अगर ये सीज़न मिस कर दिया तो आपने बहुत कुछ मिस कर दिया मैं कह रहा हूँ मज़ा डबल हो जाएगा दोस्तों थैंक यू सो गुड टू सी यू पुनीत जी एक बार फिर एक नए शो के साथ काफी एक्साइटमेंट रहती है जब आप किसी शो से जुड़ जाते हो आपके फैंस लोगों को क्या कुछ कहना चाहोगे क्या नया देखने को मिलेगा पहले तो मैं बता दूं अगर कंफ्यूजन है तो कि इस शो में मैं इन फ्रंट ऑफ द कैमरा नहीं बिहाइंड द कैमरा सुपरवाइज कर रहा हूँ सारे एक्ट्स जो होंगे स्टेज पे आएंगे वो उन एक्ट्स की जिम्मेदारी मेरी है ऑब्वियसली कोरियोग्राफर्स रहेंगे जो सब करेंगे बट एक ओवरऑल एक सुपरवाइजिंग कोरियोग्राफर जो रहता है उस रोल को मैं निभा रहा हूँ इस सीज़न में एंड बहुत ही अच्छा शो है बहुत ही अच्छे डांसर्स और टैलेंटेड आर्टिस्ट आते हैं हर साल तो इस साल मज़ा आएगा डांस की बात करें आपने काफ़ी सारे रियलिटी शो जज किए
इतने सारे डांसर्स को देखने के बाद क्या खूबियां क्या चीज परखते हो आप उनको सिलेक्ट करने के लिए? लुक सेंटर मेरे हिसाब से डांसर्स ही नहीं, हर एक इंसान, कोई भी जॉनर, कोई भी करियर चॉइस हो, आज के यंगस्टर्स को ये कहूँगा कि मैं सबसे पहले तो हार्डवर्क देखता हूँ, पैशन देखता हूँ उस काम के प्रति, उस आर्ट के प्रति, एंड पेशेंस. आज के यंगस्टर्स में पेशेंस ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गए. रील की दुनिया है, सब कुछ फास्ट चाहिए, लाइक्स, फॉरवर्ड्स, बट पेशेंस, पैशन एंड हार्डवर्क इज़ व्हाट आई लुक एट. ऑडिशन प्रोसेस की बात करें, जहाँ तक कुछ लोगों का भी मानना है, बट ये आपसे जानना चाहेंगे कि ये ऑडिशंस कहीं ना कहीं पहले से सबको बता दिए जाते हैं, पहले से कुछ स्क्रिप्टेड होता है, लाइन लगाना ये खाली टीवी के लिए होता है, इस पे आपका क्या कहना है? मैं खुद गुजरा हूँ, मैं खुद लाइन में खड़ा हुआ हूँ. बहुत लोग सोचते हैं कि पैसा लेके चीज़ें हो जाती है ऑडिशन में, रियलिटी शो, सब सब फॉल्स है. बोलते ना अंगूर खट्टे हैं, जो लोग सेलेक्ट नहीं होते शायद वो लोग करते. यस, देर इज़ अ टीम जो स्काउट करती है पूरे सालों, मतलब उनका काम है कि टैलेंट स्काउट करना. आईपीएल भी आप देखते हो, पूरे सीजन में अलग अलग क्रिकेटर्स अलग अलग जगह से, कोने कोने से वो लोग स्काउटिंग करते हैं. वैसे यहाँ पे एक टीम रहती है जो डांसर्स, टैलेंटेड आर्टिस्ट को पूरे साल देखते रहते हैं, उनके वीडियोज़ आते हैं हम तक, हम लोग वो वीडियोज़ पहले देखते हैं. येस, दैट डजेंट मीन कि वो सिलेक्ट हो गए, नॉट डज इट मीन कि हम लोग चीटिंग के लिए कोई लाइन में खड़ा करते, ऐसा कुछ नहीं होता है. देर इज प्रॉपर 3-4 लेवल्स ऑफ ऑडिशन जो प्रॉपर बकायदा रूल बुक में जाता है, वैसे होता है. ये फॉर्मेट है जो हम सब फॉलो करते हैं. एंड बहुत सारे लोग हैं जो कल भी आए थे, जो आज भी आए मेरे सामने, क्योंकि आज लेवल 3 है, तो कल लेवल 1, 2, 3, आज लेवल 1, 2, 3 हो रहा है. सो इट्स ऑल फॉल्स, ऐसा कुछ नहीं है. और जहाँ पे भी यंगस्टर्स को बोला, कोई भी इंसान बोले मैं प्रोडक्शन से हूँ, चैनल से हूँ, मैं पैसे लेके तो मैं आगे लाऊंगा, सब गलत है, वो इंसान ही गलत है. आप कंप्लेन करो सीधा, फॉल्स, ऐसा कुछ नहीं होता. और जो ऑडिशंस के टाइम जो इमोशनल मूवमेंट हो जाते हैं, जो सिलेक्ट नहीं हो पाते, कहीं ना कहीं काफ़ी उदास होकर उनको घर जाना पड़ता है, तो उस चीज़ पे आप लोग किस तरह से फेस करते हैं उन लोगों को? बहुत, जैसे कि अभी तो कैमरा ऑन नहीं है हम लोग, बहुत लोग, मैं जब बोलता हूँ कि थैंक यू, और मेरे थैंक यू में समझ में आता है वो लोग सिलेक्ट नहीं होने वाले, तो बुरा तो लगता है उन्हें, मुझे भी बुरा लगता है. बट इट्स बेटर कि अभी ही, बोलते ना दवाई कड़वी पहले ही पी लो ताकि प्रॉब्लम ना हो, तो सच जो है सीधा ही बोल दो, अगर अच्छे नहीं है तो नहीं अच्छे. बहुत सारे लोग हैं जो रिजेक्ट करके करते करते आगे बढ़े हैं. लाइफ इज़ ऑल अबाउट दैट. अब मैं उसमें कुछ बोल नहीं सकता हूँ. आई हैव टू बी ट्रू जिस चेयर में मैं बैठा हूँ, कि अगर कोई अच्छा नहीं है तो बोलना पड़ता है अच्छा नहीं है. एंड कॉम्पिटिशन टच वुड डांसिंग में इतनी स्ट्रांग हो चुकी है, आप सब देखते आ रहे हो, हर दूसरे दिन रियलिटी शो रहे हो, हर रियलिटी शो में 10-20 लोग हैं, सब अच्छे, तो बहुत बहुत टफ है. तो अगर 10 को हाँ मिला है तो हज़ार लाखों को ना भी मिला है तो डिफिकल्ट तो होता है. कंपटीशन की बात की सर आपने, कि आप लोगों की क्या एक्सपेक्टेशंस है इस शो को लेकर? एक्सपेक्टेशंस रियलिटी शो को लेकर डांस के प्रति तो बहुत हाई हो गई है. टच वुड अगेन, जैसे मैंने पहले कहा कि इंडिया में डांसिंग का लेवल लास्ट, मतलब कुछ सालों में इतना बढ़ गया, इतना फास्ट हो गया. मैं नसीब वाला हूँ कि मैं इस टाइम पे नहीं आया, उस टाइम पे आया, बिकॉज हमारे टाइम पे तो डांसिंग अलग ही थी, अभी तो बहुत अलग लेवल पे हो गई है, मतलब प्रॉपर इंटरनेशनल हो गई है. और बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है इस शो को लेके, क्योंकि इंडियाज़ बेस्ट डांसर, सही मायने में जैसा नाम है वैसा काम है, बेस्ट डांसर्स आते हैं, बहुत ही अच्छा शो है, टैलेंटेड लोग आते हैं, अच्छे एक्ट्स होते हैं, तो उसी को मेंटेन करते हुए एक्सपेक्टेशंस हाई है. एंड सो फार सो गुड, अच्छे टैलेंटेड आर्टिस्ट आए हैं जहाँ पे हम लोग जो एक्सपेक्टेशन है उसे मैच कर. इसके अलावा आपको आगे कहाँ देख सकते हैं एज ए एक्टर किसी फिल्म? मुझे एज एन एक्टर तो अभी फिलहाल तो कुछ नहीं है एज एन एक्टर, बट एज अ कोरियोग्राफर, एज अ डायरेक्टर काफ़ी काम चालू है. जैसे कि अभी श्रीकांत राजकुमार राव की जो फिल्म आई, उसके पूरा डायरेक्शन ऑफ कोरियोग्राफी मैंने की है. ऐसे बहुत सारे काम चीज़ें हुई है बिहाइंड द कैमरा, बिकॉज मुझे बिहाइंड द कैमरा ज़्यादा पसंद है रहना, तो ये एक शो है. उसके अलावा टेलीविजन और मूवीज़ में काफ़ी काम बिहाइंड द कैमरा है. म्यूज़िक वीडियोज़ काफ़ी डायरेक्ट प्रोड्यूस कोरियोग्राफ कर रहा हूँ, तो वो है. अभी सारे गामा के साथ काफ़ी म्यूज़िक वीडियोज़ 3 किए, वो आने वाले, तो चीज़ें टचवुड अच्छी जा रही है. और ये मैं एक डांसर से नहीं, एक विनर से सवाल पूछ रहा हूँ, कि के विनर के होने के बाद आपने कितने शो उसके फॉलो किए? खतरों के खिलाड़ी तो मेरा लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है. हार जीत मैं बोलने के लिए बात है, पर मैं जीतने नहीं गया था, मैं इंजॉय करने गया था, अपना बेस्ट देने गया था. उस चक्कर में मैं जीत गया, लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, तो थैंक यू फॉर दैट. येस, उसके बाद मैंने काफ़ी सीजन फॉलो की है, पूरा नहीं फॉलो किया पर थोड़ा बहुत फॉलो किया है. इस सीजन में भी काफ़ी लोग गए. आपके कोई फ्रेंड्स? कौन कौन गए? आसिम है, शिल्पा शिंदे है, और अभिषेक है, कृष्णा श्रॉफ, नमित कौर,
निमृत को मैं जानता हूँ, निमृत को जानता हूँ, पतली होके गई है ऐसे मैंने मेरे पढ़ा है, मैंने मैंने देखा नहीं है, आई एम लास्ट पॉइंट टू से पतला जाड़ा हुआ है, मैंने सुना ऐसा। हाँ मैं इतना जानता हूँ कि कोई डांसिंग बैकग्राउंड से नहीं है इस साल, इस साल कोई डांसिंग बैकग्राउंड से नहीं है। हाँ बिग बॉस नहीं, बिग बॉस भी नहीं है, मोहित मलिक है, कश्मीर है, नहीं मोहित मलिक नहीं, कश्मीर 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 थोड़ा डबल डांस किया था झलक में। कोई और रियलिटी शो करना पसंद करना चाहोगे अगर आपको बिग बॉस से आया? बिग बॉस से आता है मुझे, मैं हर साल अवॉइड करता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि अभी फिलहाल मेरे इस करियर के जोन में मैं रेडी नहीं हूँ बिग बॉस में जाना। अब तो ओटीटी भी काफी, हाँ मुझे आता है, मैं हर बार ना बोलता हूँ बिकॉज आई फील अभी ज़रूरत नहीं है मुझे जाने की वहाँ पे। दो आई लव द शो, मैं हर साल देखता हूँ, मैं कोरियोग्राफी भी बहुत बार करता हूँ उस शो की, तो आई एम रियली इन्वॉल्व विद द मेकर्स एंड द शो, आई रियली लाइक द शो। मेरे काफ़ी फ्रेंड्स भी गए उसमें, निशांत हो, जैस्मिन हो, अली हो, बहुत सारे लोग हैं, रूबीना हो, कितने गौहर, कितने लोग हैं, करिश्मा तन्ना जिनको मैं जानता हूँ जो है वहाँ पे। कौन सा शो? ये लाफ्टर, भारती ने नहीं लिया मुझे जैसे कि उसमें फर्क, नहीं 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 अली है उसमें, राहुल वैद्य है, लाफ्टर शेफ, कृष्णा है, कश्मीरा है। इस बार आप क्यों नहीं नजर आए? क्योंकि उनको नहीं लगा होगा मैं काफी मैं खाना बनाने में अच्छा हूँ, नहीं हूँ पता नहीं, बट मेरा मानना है सबका हक का जो रहता है वो मिलता है, तो मेरा नसीब था कि मुझे खतरा खतरा मिला एंड खतरा खतरा ने बहुत सारा प्यार दिया हर्ष और भारती से और क्लोज हुआ, मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग हुई जैस्मिन अली आदि सबसे। तो ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा शो को, शो आई थिंक कल लॉन्च हुआ सैटरडे को एंड वो भी वो कलर्स पे आ रहा है, ये सोनी पे आ रहा है, इंडियाज बेस्ट डांसर, तो मैं इस जिस चीज़ के लिए वो बोलूँगा इंडियाज बेस्ट डांसर इस साल बहुत अलग होने वाला है, चौगुना होने वाला है। आप लोगों की जोड़ी वापस दिखने वाली धर्मेश्वर की, आपकी राहुल जी की? डांस प्लस में देखते थे हम, डांस प्लस में राघव बिजी था, धर्मेश को करना नहीं था, तो इस साल राहुल आया एंड एज फार एज मूवी में कंसर्न्ड है तो रेमो सर के ऊपर है, बोल तो रहे उन्होंने स्क्रिप्टिंग स्टार्ट कर दी ABCD3 की, तो अगर ABCD3 की स्क्रिप्टिंग स्टार्ट हुई और सर को लगता है कि मैं धर्मेश और राघव लायक है उसमें फीचर करने के लिए तो विल बी मोर देन हैप्पी टू बी देयर एंड होपफुली हो जाए ऐसे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैं कहना चाहता हूं कि मेरा इस शो के साथ पहली बार मेल मिलाव है इंडियाज बेस्ट डांसर Season 4, प्लीज़ गो एंड वॉच द शो बिकॉज इट्स गोना बी अमेजिंग। अभी अब बकायदा ताज़ा हाल ये है कि मैं टैलेंटेड आर्टिस्ट को नीचे देख रहा हूं, ऑडिशन कर रहा हूं, बहुत ही अच्छे डांसर्स हैं, प्लीज़ गो एंड वॉच एंड शेयर योर लव द वे यू डू इट ऑलरेडी। थैंक यू। Done? Done. Thank you. Thank you. Bye bye. Molly.